प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक नींद आना या थकान लगना जो है बहुत तो कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान काफी ज्यादा नींद आती है, खास तौर पे प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में। लेकिन कुछ महिलाओं को इस दौरान नींद ना आने की समस्या भी होती है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पूरा दिन अगर गर्भवती महिलाओं को नींद जैसा आने लगता है, वो पूरा दिन बिस्तर पे लेटी रहती हैं, तो ऐसे में गर्भ में शिशु को इससे दिक्कत हो सकती है और साथ ही गर्भवती महिला के शरीर के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां गर्भवती महिलाओं को जकड़ सकती है। तो जानने के लिए दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा, स्वागत करती हूं आपका। चलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। तो वैसे तो गर्भावस्था के दौरान अगर महिलाएं 7 से लेकर 8 घंटे की नींद लेती हैं और दिन के समय आधे या फिर 1 घंटे की नींद पूरा करती हैं, तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल उचित होता है। कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक थकान महसूस करती है और थकान के चलते वो दिन भर सोना पसंद करती हैं, बिस्तर पे लेटना पसंद करती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसके कारण क्या क्या होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक नींद आना या थकान लगना जो है बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिला का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में और रिप्रोडक्टिव साइकिल को संतुलित करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है और इस हार्मोन के बदलाव के चलते गर्भवती महिलाओं को नींद ज्यादा आती है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ने से और ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर के स्तर में गिरावट होने से महिलाओं में बहुत ज्यादा थकान का अनुभव भी होता है और इस वजह से महिलाएं घंटों तक लेटी रहती है या फिर उन्हें बार बार नींद आने लगती है। साथ ही महिलाओं का पेट बढ़ना, वजन भारी हो जाना थकान का कारण बनती है, जिससे वो की ज्यादातर आराम करना पसंद करती है। तो अधिक नींद लेने से या फिर बिस्तर पर लेटे रहने से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आपको हो सकता है, जिसमें बैठे बैठे पांव हिलाने की आदत हो जाती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के दिमाग में ये सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है और ये पांव हिलाने की जो तीव्र इच्छा होती है ये सोते सोते भी गर्भवती महिलाओं को हो सकती है। इसके अलावा स्लीप एपनिया गर्भवती महिलाओं में हो सकता है, जो कि एक किस्म की सोने की गंभीर बीमारी होती है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि इसका दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ सकता है। तो जो महिलाएं इस दौरान स्लीप एपनिया से गुजरती है वो लंबी नींद लेने के बावजूद भी अपने आप को फ्रेश फील नहीं कर पाती। तो अगर महिला रात भर अच्छी नींद लेती है लेकिन उठने के बाद भी वो बहुत ज्यादा थकान महसूस करती है, नींद आने जैसा दोबारा से महसूस होता है, तो इसकी वजह हो सकता है कि स्लीप एपनिया हो। ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो महिलाएं बहुत अधिक देर तक सोती हैं, लेटी रहती हैं, तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं में बहुत सारी बीमारियों का खतरा पनपने लग जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का हाई होना, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, दिल संबंधी बीमारियों का खतरा इस दौरान आपको हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आप जो है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती है, इनएक्टिव होती है, जिस वजह से ये सारी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। और ऐसे में प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में भी इससे आपको दिक्कत हो सकती है। बेवजह वजन बढ़ना, अगर आप बहुत अधिक इस दौरान आराम करती हैं, बिस्तर पर लेटी रहती हैं, तो इससे आपको मोटापा घेर सकता है और अगर आपको इस दौरान अधिक मोटापा हो जाता है तो ये आपके नॉर्मल डिलीवरी होने में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर देता है और साथ ही आपको अन्य बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। तो इसलिए इस दौरान आपको बहुत अधिक लंबे समय तक बिस्तर पर नहीं लेटना है। इसलिए आपकी जो दिनचर्या होनी चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा आप प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही होनी चाहिए, बशर्ते कि आपको किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो रही हो। तो आप इस दौरान चाहे आपको भले ही कितनी भी नींद आ रही हो, बिस्तर पे लेटने का मन हो, लेकिन अपने शरीर को आप थकाइए, एक्सरसाइज करिए, घर के छोटे मोटे काम करिए, टहलिए और योगा करिए, मेडिटेशन इत्यादि का सहारा ले सकती हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी। दोस्तों फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।